नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अकबरपुर तहसील में अपनी पत्नी का निवास प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे एक व्यक्ति ने एसडीएम से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद बीच बचाव करने आए एसडीएम के अर्दली को भी उसने पीट दिया। आरोपी खुद को बीजेपी नेता का करीबी बता रहा है। संवाद सूत्र के मुताबिक कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक एसडीएम से भिड़ गया। इसके बाद एसडीएम का अर्दली बीच बचाव करने आया तो युवक ने अर्दली को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वहीं पीटने वाला व्यक्ति इस कदर आक्रोशित हो गया कि उसने एसडीएम के गनर की राइफल छीनने का प्रयास किया। इसके बाद एसडीएम राजीव राज ने 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुलाई और पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची। जानकारी के अनुसार अकबरपुर जिला अस्पताल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रजनीश शुक्ला आज अपनी पत्नी का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील पहुंचा था, जहां एसडीएम राजीव राज ने उसे जांच कराकर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी रजनीश शुक्ला एसडीएम से अभद्रता करने लगा, जहां अर्दली शिवराम ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने अर्दली पर हमला कर दिया। तो हम गांव में जो है खुली बैठक बुला लेते हैं दिल्ली बैठवा के, और अगर उसमें बयान आएंगे अगर आपका निवास प्रमाण जायज होगा तो बना देंगे। इसके बाद नरिया में मुझे सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अपनी सीट से उठ के और नरिया के लिए रवाना हो रहा था। इस व्यक्ति द्वारा मुझसे कहा कि एक मिनट मेरी बात सुन ली, तो मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, मैंने आपका तय कर दिया बृहस्पतिवार को इसमें मीटिंग लेंगे। जब मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो उसने मेरे अर्दली को पकड़ लिया और उसे अभद्रता करने लगा और जो है उसको जो है जमीन पर गिराकर जो है पीटने लगा। मैं और मेरे गार्डों ने बीच बचाव कराया, बड़ी मुश्किल से जो है अर्दली को बचाया। सर कितनी ऐसी कितनी हिम्मत हो गई, कौन व्यक्ति है, क्या इसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एसडीएम के सामने ये व्यक्ति मार रहा है आपके अभी आपके सामने मार रहा है? अभी ये मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या उसका जो है बैकग्राउंड है, जैसे मेरी मालूम पड़ेगी जा रहे थे वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया निरौली और ये एकदम गाली देने लगा, मारने लगा। वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे? सभी लोग थे। आपको बुला लो चौकी जैसा।